23/10/2020 को जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश से उस आदेश के अनुपालन में महेंद्र जायसवाल साथी अपराधी महेंद्र जायसवाल की भवन संपत्ति कुर्क की जा रही है। सुने 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 ये मुनादी सुन रहे हैं आप। ये मुनादी दरअसल ऐलान है कि रसूख और संपत्ति अगर गलत तरीके से कमाई जाए तो आखिर उसे अंत में गंवाना ही पड़ता है। यूपी में विगत महीनों से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खुद अपने परिवार और उनके नेटवर्क के लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। यूपी में प्रशासन लगातार विधायक मुख्तार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। इस क्रम में गुरुवार शाम मुख्तार अंसारी के करीबी महेंद्र जायसवाल के दो मकानों को डुगडुगी पिटवाते हुए कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया। इस संबंध में सीओ सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि मुख्तार अंसारी आईएस 191 गैंग का महेंद्र जायसवाल सक्रिय सदस्य है। आज जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेशानुसार इसकी ये दो संपत्तियां गैंगस्टर धारा 14 एक्ट के अंतर्गत कुर्क की गई हैं। इसे सील किया जाएगा। अब ये सरकारी संपत्ति है। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती का क्रम जारी है। प्रशासन की लगातार कार्रवाइयों से मुख्तार के करीबियों के साथ ही नाते रिश्तेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है। यूपी पुलिस उन्हें लाने की कवायद में जुटी है। हालांकि पंजाब ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मुख्तार को भेजने से मना कर दिया है। इसे लेकर विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को खत भी लिखा है। अपील की है कि पंजाब सरकार से मुख्तार को भेजने को कहा जाए। में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये महेंद्र जायसवाल मुख्तार अंसारी गैंग IS-191 का सक्रिय सदस्य है। आज दिनांक 29/10/2020 को जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेशानुसार इसकी ये दो संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है। ये गैंगस्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई है। केवल कुर्क किया जाएगा सर, या मतलब सील भी किया जाएगा पूरा? ये कुर्क करके सील किया जाएगा। अब ये सरकारी संपत्ति की तरह कुर्क हो जाएगी। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।